गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बच्चे आइए हम आज राजस्थान की थर्ड पेंटिंग राधा बनीठनी के बारे में पढ़ते हैं। बेटा स्क्रीन पर आप जो पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग का टाइटल है राधा बनीठनी। आइए इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नेम राधा बनीठनी, पेंटर निहाल चंद, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, सिरिका 70-60 AD, सब स्कूल किशनगढ़, टेक्निक टेम्परा कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। मींस बेटा इस चित्र को आर्टिस्ट निहाल चंद ने पेपर के ऊपर जल रंगों के द्वारा 1760 ईस्वी में बनाया था और यह चित्र किशनगढ़ सब स्कूल से संबंधित है और यह पेंटिंग मीन्स यह ओरिजिनल पेंटिंग इस टाइम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इस पेंटिंग का। राधा बनीठनी ऑफ किशनगढ़ इज द मोस्ट फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थान स्कूल। जैसा कि हमने पढ़ा है कि यह पेंटिंग राधा बनीठनी राजस्थान स्कूल की किशनगढ़ सब स्कूल में बहुत ही फेमस पेंटिंग रही है। फेमस आर्टिस्ट निहाल चंद मेड इट वेरी ब्यूटीफुल। निहाल चंद आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इशूड ए पोस्टल स्टैम्प ऑन दिस मिनिएचर पेंटिंग्स और भारत सरकार ने इस पेंटिंग को पोस्टल स्टैम्प के रूप में इशूड मान्यता दी है। आगे देखिए, इन द पेंटिंग्स राधा इज स्माइलिंग मिस्टीरियसली एंड हर आइज विद वोमनली ब्यूटी आर वर्थ सीइंग। बेटा चित्र में आप देख सकते हो कि इस चित्र की जो क्वालिटी है वो है कि इस चित्र में जो राधा है उसकी रहस्यमय मुस्कान को दिखाया गया है और जो उसकी आइज है उससे जो एक ह्यूमन वुमेन होती है उसकी एक ग्रेटनेस होती है और उसकी कोमलता होती है, उसकी एक दायरा होता है। ठीक है, ओके बेटा। और उसको उसकी आइज से उसकी स्माइल को उसके लिप्स से उसको दिखाया गया है। इन दिस आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट राधा फेस हैज़ बीन शोन लार्ज इन साइज। इस पोर्ट्रेट में जो राधा का फेस है उसको थोड़ा लॉन्ग बनाया गया है। आगे देखिए, द फोर हेड इज इन प्रॉपर कर्वेचर और उसका जो फोर हेड है वो बिल्कुल प्रॉपर कर्वेचर में बनाया गया है। द नोज इज लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड और राधा की जो नोज है उसको लंबी बनाया गया है और शार्प है और पॉइंटेड नोज है। द आर्च आईब्रो एंड लिप्स हैव बीन शोन थिन एंड रेड और जो उसकी आईब्रो हैं उनको एक आर्च की तरह से बनाया गया है और उसके लिप हैं जो वो थिन हैं, पतले हैं और रेड कलर से उनको पेंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द ब्लैक कर्ली हेयर इज हैंगिंग डाउन अप टू द वेस्ट एंड ए थिक लॉक ऑफ हेयर इज डैंगलिंग डाउन ऑन द चिक। यानी बेटा आप देख सकते हो जो उसके राधा के कर्ली हेयर हैं उसकी वेस्ट तक नीचे की तरफ लहरा रहे हैं और एक मोटी गुत्थी है बालों की, मोटी लोक है बालों का जो उसकी चिक तक लहरा रहा है। आगे देखिए, सी इज वेरी सॉफ्टली होल्डिंग टू बर्ड्स ऑफ लोटस इन हर लेफ्ट हैंड। उसने अपने लेफ्ट हैंड में लोटस फ्लावर की दो बर्ड्स को बड़े ही सॉफ्टली तरीके से पकड़ा हुआ है। इन हर राइट हैंड सी इज होल्डिंग हर गोल्ड स्टडेड बॉर्डर ट्रांसपेरेंट चुनरी इन ए ग्रेसफुल वुमनली मैनर। यानी कि वुमनली मैनर के द्वारा के थ्रू उसने जो अपनी चुनरी की एक गोल्ड स्ट्रिप है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ है। हर एप्पल्स एंड ज्वेल्स हैव बीन पेंटेड अकॉर्डिंग टू द राजपूत ट्रेडिशन और राधा बनीठनी के चित्र में इसके जितने भी ज्वेल्स हैं, एप्रल्स हैं कपड़े, उनको राजस्थान का जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है।
द चुनरी हैज बीन नॉन्गली मेड ट्रांसपेरेंट सो दैट द वियरिंग ज्वेल्स क्लोथ्स एंड पार्ट्स ऑफ हर बॉडी कुड बी ग्लाइटर अथवर्ड। यानी कि जो राधा ने चुनरी अपने सर के ऊपर ली गई है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, जिसमें से राधा के ज्वेलरीज क्लोथ्स और पार्ट ऑफ बॉडीज बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाए गए हैं। द बैकग्राउंड हैज़ बीन शोन विद डिफरेंट ग्लीम ऑफ डार्क ब्लू कलर। और जो राधा का पेंटिंग है उसमें बैकग्राउंड को डार्क ब्लू कलर की शेड्स यूज करके बनाया गया है। तो बेटा इस तरीके से हम इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आर्टिस्ट निहाल चंद ने इस पेंटिंग को बड़े ही आर्टिस्टिक तरीके से बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को सुने, समझें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।